Good evening, students. As promised, I'm back, your teacher Brijesh Bhadauria, with the topic error omission and choose the correct option. Jumbled sentences, we can't say anything. Agar, if your English is good, tabhi aap bana paoge, nahi to nahi bana paoge. Theek hai? Let's discuss about few tricks how to attempt that question. Theek hai? 12 marks kahenge, 4, 4, 4. And I want you to secure good marks in English subject. Let's start with the topic. I'm giving you few trips or the tricks. It is a trip also because you are forwarding on a journey, and journey is a trip. Let's see how the things will go now. Just hold on. Let me start with that. Okay. Ab hum baat karte hain in topics ki. ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आया है. मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि हाउ टू अटेम्प्ट दी थिंग्स. सो मेनी थिंग्स आ दिया बिकॉज आई नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू. अब मुझे आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी. आपके पास वहाँ पे वर्ड आएंगे डेवलप, डेवलप्स, डेवलप्ड, डेवलपिंग. जबकि हम डेवलप नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा एज पर इंडियन टेंडेंसी. It is develop, develop, develops, developed and developing. Okay, अगर हम बात करते हैं singular, ठीक है, singular की बात करते हैं. अगर मैंने यहाँ पे जैसे word लिखा हुआ है technology, technology क्या है? Singular. कौन है? Third person singular में. जब भी आपको कोई नाम individual मिलेगा तब आपको क्या word use करना है? Develops. S और ES उसके साथ आएगा. Develops. Technologies word आएगा. Technologies is already in plural form. तो उसके साथ आपको क्या word use करना पड़ेगा? Develop. और technology has, have, had. Word use हुआ है तो वहाँ पर आपको क्या use करना पड़ेगा? Developed. Because it is what? You need to tell me, present perfect, past perfect, has, have, had के साथ third form of verb. And lastly, अगर आपको technology के साथ is, am, are, was, word आ रहा है तो developing word use करना पड़ेगा. बहुत focus होकर ध्यान दीजिए. Singular third person आएगा, develops, S और ES आएगा. Otherwise, plural form में pronounce हुआ तो develop आएगा, has, have, had use हुआ है, developed आएगा, is, am, are, was, word use हुआ है, डेवलपिंग आएगा. अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में गया है तो ऑब्वियसली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मैंने डेवलप यहां पे थर्ड फॉर्म में भी यूज किया क्योंकि डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड. अगर मैं यहां पे बात करूं गो, वेंट, गॉन, पास्ट टेंस की बात करूं तो वेंट आएगा. थर्ड फॉर्म की बात करूं हैज हैव हैड के साथ तो गॉन आएगा. ठीक है, बहुत फोकस होकर आपको चीजें वहां पे परफॉर्म करनी है. इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है आपको. ठीक है, ओके. अब हम आगे चलते हैं सेकंड पेज की तरफ. सेकंड पेज अब क्या है? ये आपका हो गया डेवलप, डेवलप, ओके. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके. आपको चॉइसेस आएंगी चारों में. ठीक है, ए बी सी डी ई, अटेम्प्ट एनी फोर. अगर आपने, मान लीजिए आपको बी वाला नहीं आता है और आपने लिख दिया ए बी सी डी ई, आपने पांचों अटेम्प्ट किए और बीच में बी वाला आपने ब्लैंक छोड़ दिया, टीचर सिर्फ चार चेक करेगा, पांचवा वाला छोड़ देगा, सीधा उस पर क्रॉस मारेगा, बोलेगा ओवर अटेम्प्ट. आपके सिर्फ तीन चेक करेगा और तीन में से तीन नंबर देगा. डोंट एक्सपेक्ट, अगर आपको चार ही बोले तो अटेम्प्ट एनी फोर. आपको जो पता, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बी वाला नहीं आ रहा तो लीव इट, ए सी डी ई, यू विल गेट फोर आउट ऑफ फोर. मत करो फिफ्थ अटेम्प्ट, बी वाला मत कीजिए. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, ओके. बेटा आपको पेपर है इंग्लिश का तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख के चलनी पड़ेंगी. ओके, अब मैंने आपको बार बार बाकी वीडियोज़ में बताया है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. अब आप मॉडल्स पर आ जाइए,
Can, could, will, would, shall, should, may, might, need to, ought to, used to, dare, must, has to, have to, had to. Sabhi ke saath first form of verb use hogi. Second form use nahi hogi. Sabhi ke saath first form of can bhi laga rahe to bhi first form hai. Could laga rahe first form hai. Lekin stories mein aap kya word use karoge? Could, would, should and did. And second form of verb. ठीक है, सेकेंड फॉर्म इज सेकेंड फॉर्म कुड वुड शुड डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. ठीक है, यूज टू कहाँ पे यूज होता है? पास्ट हैबिट. जब आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहा है तो आप उसके साथ यूज टू वर्ड यूज करोगे. ऑट टू कहाँ पे यूज करोगे? मोरल वैल्यूज के लिए. ही ऑट टू रिस्पेक्ट द नेशन, ही ऑट टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. जब भी आपको मोरल वैल्यूज की बात आएगी, मस्ट जहाँ पे आपकी नेसेसिटी आ गई, नेसेसरी. ही मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. डियर चैलेंजिंग वर्क, आपको ये चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना होगा. ठीक है, ओके. अब हम आगे चलते हैं. अब एक दो चीज़ें और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अब मैं पर्सन्स की बात करता हूँ. पर्सन्स आपके दो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी. सेकंड पर्सन यू, प्लूरल में भी यू. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम. एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में दे. अब मैंने यहाँ पे लिखा है एस और ईएस. पूरा गेम खेला जाता है ही, शी, इट, नेम के साथ. एस और ई एस कहाँ पे लगता है? ही, शी, इट, नेम के साथ. नेम आपका कुछ भी हो सकता है. दे, वो, आई एम सो सॉरी, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, साइंस, फ्रेंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, राम, सीता, मोहन, डॉग, कैट, ये सारे आपके नेम हैं. एंड दैट्स टू सिंगुलर. इनके साथ हमेशा एस और ई एस वाली कंडीशन आएगी. ठीक है, गो से आपका गोज बन गया. मोहन गोज, डॉग गोज, कैट गोज, कैट डज. ध्यान रखना इन चीज़ों को. अब इज, एम, आर, वॉज वर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है. ठीक है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कहाँ पर कैसी चीज़ें किस तरीके से यूज होंगी. आईएनजी फॉर्म, ओके. आईएनजी फॉर्म की बात कर लेते हैं. आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू हमेशा प्लूरल में प्रोनाउंस होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. यू इज यू, यू आर, यू आर. ही, शी, इट, नेम इज, दे आर. अब हैज हैव की बात कर लेते हैं. हैज हैव हैड से पास्ट में होता है, हैज हैव प्रेजेंट में होता है. आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव. He, she, it, name, has, they have. इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है आपको जब भी यूज़ करोगे पेपर में. इसके अलावा हम कुछ और बात कर लेते हैं. ए एंड द, ए एंड द की बात कर लेते हैं. ए एंड द की बात जब हम करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. ओके, प्रपोजिशंस. एट वर्ड हम यूज़ करते हैं. पहले तो एट वर्ड यूज़ करते हैं प्लेस के लिए, टाइम के लिए, फेस्टिवल के लिए. आई विल रीच एट योर होम, आई विल रीच एट योर स्कूल. जब हम प्लेस की बात करते हैं तो एट वर्ड यूज होता है. आई विल रीच एट मॉल, आई विल रीच मॉल एट 6:30, आई विल रीच मॉल एट 5:00, आई विल रीच your home at Christmas, at Holi, at Diwali, at Raksha Bandhan. Clear? Okay. अब हम बात करते हैं into की. Into means depth होती है, गहराई की बात है. He jumped into the pool. Into word कहाँ पर use होता है? Pool, river, well, ocean, sea, pit, cup, glass, mug, bucket.
He jumped into the pool. He jumped into the river. He jumped into the well. He jumped into the ocean. He jumped into the sea. He jumped into the pit. My mother poured tea into the cup. My mother poured water into the glass. Similarly, mug, bucket. Bike ke saath kya hamesha use hota hai? By. He is going to fort by my bike. He is going to fort in my car. He is going to fort on my bike. In cheezon ko dhyan rakhna hai. Pen ke liye hum hamesha kaun sa word use karte hai? In. He is writing in pen. But he is writing in pencil. Jiske andar ink hoti hai, wo in hota hai. Aur pencil ke andar graphite hota hai, to with. Article hote hain definite aur indefinite article. Theek hai, an kahan pe use karte hain? Jab singular ki baat karte hain. An. Theek hai? Aur the is definite article. Okay, I will give you one example. I went to the jungle. I met dash guru. I met a guru. Kaun sa? Unknown guru hai wo. Dash guru was distributing prasad. The guru. Particularize kar diya us guru ko. Theek hai? To aapko bahut dimag se, dhyan se, in cheezon ko dekhna hai. Theek hai? हर चीज़ का बहुत फोकस है, हर चीज़ का बहुत दिमाग में दिमाग रखना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ होनी है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए. एरर, ओमिशन और जंबल सेंटेंसेस निकल जाएंगे. चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन निकल जाएगी. आई एम डैम श्योर कल आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो. मुझे पता है मेरे बच्चे अच्छा ही करते हैं हमेशा, और मेरे बच्चे कल अच्छा ही करेंगे. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक. Do well tomorrow. If you have any doubt, please leave the comment in the comment section. Social ka video lekar aane wala hoon. Theek hai? If you have subscribed, please subscribe it. Sir, aapke lekar aayenge. Aapke liye. Mujhe se bachcho ki tension hai. Theek hai? No issues. Do well. Best of luck for tomorrow. Jo maine tips di hai. Please follow those tips. You will get in 90s. Bye-bye. Take care. Till then, bye-bye.